आप देख रहे हैं डीएसपी चंद्रपाल का जो शव है वह पहुंचा है यहाँ पे गांव जलनिया के पास ही ढाणी है इनकी, यहाँ पहुंचा है ये देख सकते हैं आप। कल गांव अग्रोहा के पास एक सड़क हादसे में इनका निधन जो है वो हुआ था। साइकिलिंग का शौक रखते थे डीएसपी चंद्रपाल और इस दौरान एक सड़क हादसा अग्रोहा के पास हुआ, एक कार के द्वारा टक्कर मार दी गई थी। जो वैगनार गाड़ी है वो भी पुलिस ने बरामद जो है वो कर ली है। तो आप शव उनके जो ढाणी है जलनिया वहाँ पहुँचा है। आप देख रहे हैं फतेहाबाद की जो एसपी है आस्था मोदी वो पहुंची हैं यहाँ पे और कुछ ही देर में डीएसपी चंद्रपाल को बिश्नोई समाज की प्रथा के अनुसार मिट्टी जो है वो दी जाएगी। एसपी के साथ डीएसपी अजय सिंह भी मौजूद हैं और फतेहाबाद और आसपास के इलाके का जिले का पूरा पुलिस अमला पहुंचा हुआ है। इसके साथ ही डीएसपी चंद्रपाल के साथ जो काम कर चुके हैं या जो दोस्त हैं इलाके के वो पहुंचे हुए और नम आंखों से विदाई जो है डीएसपी चंद्रपाल को दी जा रही है। देख रहे हैं आप हैं आप। विधायक दौड़ाराम भी पहुंचे हैं यहाँ।
एक दौर लाग गई लोग सारा बार ले डोका भारी अगर जयजीत जी की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, क्या कहेंगे? ये बड़ी भारी दुखी बात है और एक काबिल अफसर, ना बढ़िया काबिल अफसर, कभी भी कोई डीएसपी वाली बात नहीं थी, बहुत बढ़िया काबिल अफसर थे। परिवार को नुकसान तो हुआ ही है, समाज को बड़ा भारी नुकसान हुआ है, तो ये कहूँगा परमात्मा उनको अपने चरणों में जगह दे और इसको
सदमे को सहन करने की परिवार को शक्ति दे। कहाँ पर संस्कार किया गया? ये झलनिया गांव समाज में दफनाते हैं, तो ये कल अगरवा के पास एक्सीडेंट हुए, तो इनको साइकिल चलाने का शौक था, जब भी टाइम मिलता ज़्यादा सफ़र साइकिल पर किया करते। फिर इन्होंने रिवाज अपने बच्चे हिसार रख रखे थे, वहाँ हिसार जा रहे थे फतेहाबाद से, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। जो एक्सीडेंट करने वाले हैं क्या उनकी अभी तलाश? हाँ, वही गाड़ी कल पता चल गया है, गाड़ी ले ली आज तक सारा, वो शाम तक कल तक पता चल जाएगा किस आदमी कौन है क्या। ठीक ठीक हो, थैंक यू। जी, ये साइकिल से जा रहे थे, हिसार कल जा रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन के उसमें जा रहे थे। बहुत ही एवर्ड साइकिलर हैं और कई 50-60 किलोमीटर तो रूटीन में साइकिलिंग करते थे डीएसपी साहब। तो कल जब जा रहे थे अग्रोहा के पास एक अननोन व्हीकल है, जिसको अब हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, एक अननोन व्हीकल ने उनको पीछे से हिट किया और उसकी वजह से उनकी जो उसमें चोटें आई उसकी वजह से उनकी मौके पे ही जो है मृत्यु हो गई है। जो वो व्हीकल है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, अग्रोहा थाने में इस मामले में FIR रजिस्टर कर ली गई है। वो व्हीकल को हमने कल रात को रिकवर भी कर लिया है, तो इसमें जल्द ही जल्द जो भी जो ड्राइव कर रहे थे उसको, जो भी मुलजिम है उनको हम गिरफ्तार करेंगे। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट है। DSP साहब बहुत ही उत्कृष्ट अधिकारी थे और हम लोग बहुत डिपेंड करते थे उनके ऊपर, पब्लिक में भी बहुत अच्छी छवि थी उनकी और बहुत ट्रस्ट था जो आम जनता का था उनके अंदर कि वो फेयर हैं, जस्ट हैं, इनकी इंटेग्रिटी पे, सिंसियरिटी पे कोई डाउट नहीं था। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में भी उनको भेजने में हम लोगों को मतलब मैं निश्चिंत हो जाती थी उनको भेज के कि वो जा रहे हैं तो वो संभाल ही लेंगे, पब्लिक का कोई भी व्यक्ति जो है उनकी बात मना नहीं करेगा। तो इस प्रकार की उनकी पर्सनैलिटी और नेचर था, तो मतलब इरिपेरेबल जो लॉस है वो है हमारे डिपार्टमेंट को, जो परिवार को लॉस है, पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो भी एक परिवार की तरह ही होता है, तो उनके परिवार को और हमारे पुलिस के परिवार को दोनों को एक इरिपेरेबल ये लॉस हुआ है उनकी ये अनटाइमली मृत्यु। और भी थे कुछ नहीं, साइकिलिंग तो ये लोग साइकिल पे तो अकेले ही थे, उनके साथ और भी लोग थे जो किसी और एंगल से भी जांच चल रही है या सिर्फ जी वो तो जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें सारे तथ्य उसमें जांच कर लिया जाएंगे। अभी सिर्फ एक्सीडेंटल को लेकर के चल जी, वो आइडेंटिफाई हो गया जिस कार ने उनको हिट किया है, तो उससे जो भी वो व्यक्ति है उसको आइडेंटिफाई करके जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो प्रॉपर्ली अंतिम संस्कार होगा। जी ठीक है, धन्यवाद।